बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। नेशनल पब्लिक स्कूल प्रेजेंट्स ऑनलाइन क्लासेस फॉर योर हेल्थ एंड योर स्टडी। डियर स्टूडेंट, वी हैव डन रिव्यू एक्सरसाइज इन अवर लास्ट लेक्चर। टुडे वी विल डू ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। हियर इज ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज वन। स्टूडेंट्स, इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर पिछले लेक्चर में किए थे, मैं इनको रिपीट कर किए देती हूँ। वन टू वन क्रॉस पेंडेंस कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन डैश, बिटवीन नॉन इक्विवेलेंट। डैश मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ सेट और नॉट। तो इसमें आएगा जी वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है नॉट एलिमेंट का, द सिंबल नॉट एलिमेंट मीन्स डज नॉट बिलोंग टू द सेट। डैश सेट इज ऑल्सो नोन एज नल सेट, यानी कि एम्प्टी। द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है, इज यूज फॉर डैश नॉन इक्विवेलेंट सेट। टिक द करेक्ट आंसर। टू रिप्रेजेंट टू इक्वल सेट्स वी यूज द सिंबल। दो इक्वल सेट्स को जब हमने जाहिर करना है तो उसके लिए सिंबल ये वाला इस्तेमाल होगा। टू राइट एन एम्प्टी सेट, खाली सेट के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल होगा। सेट ए ऑफ सेट वॉवल्स, देन अगर सेट ए में वॉवल्स हैं यानी कि ए ई आई ओ यू है, तो इसमें से कौन सा ठीक है? इसमें से है जी यू एलिमेंट ऑफ ए ठीक है। ए एलिमेंट ए का है लेकिन यहाँ पर नॉट का साइन है, इसलिए ये भी नहीं है, सी भी नहीं है और आई भी नहीं, आई नॉट एलिमेंट का साइन दे रहा है। ए की अमाउंट अगर सेट 1 2 3 और बी का 0 1 2 3 4 है, तो बताएं कि जो ए है बी का सबसेट है, ये ए बी का सबसेट है, इक्वल नहीं है सबसेट और बराबर भी नहीं है, मुताबकत भी नहीं रखता, ये उसका सबसेट है। 11 इज नोन एज सिंगुलर सेट, क्योंकि ये अकेला है, इसके साथ और कुछ नहीं है, तो ये सिंगुलर सेट है। टू रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट सेट वी यूज द सिंबल। दो इक्वल सेट को जाहिर करने के लिए, इक्विवेलेंट सेट को जाहिर करने के लिए ये वाला सिंबल लगता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिफाइन अ सेट, व्हाट इज मीन बाय द सिंबल ई। नेम टू फॉर्म्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड डिस्टिंक्ट इन अ सेट। इफ एक्स ए बी सी एंड वाई सी ए बी, आर दीज सेट्स इक्वल और नॉट। इन क्वेश्चंस के आंसर्स मेंशन करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी नोटबुक की। तो प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक निकालिए, ड्रॉ अ मार्जिन लाइन, एंड ऑल्सो अ टॉपिक लाइन। ड्रॉ मार्जिन लाइन ऑन 2 to 3 पेजेस। एक्सरसाइज क्या है जी? ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 जी। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अ सेट। A collection of distinct and well-defined objects
इज कॉल्ड अ सेट. डिफाइन अ सेट. सेट किसे कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड. वो जो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से सेट समझ आए उनको बोलते हैं वेल डिफाइंड. ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is mean by the symbol E? E mean is the element of the set. E means is the element of set. Third question. Name two forms for describing a set. Two forms batani hai set ko describe karne ki. Descriptive form, टेबुलर फॉर्म. नंबर फोर. व्हाट इज मीन बाय द वर्ड डिस्टिंक्ट इन अ सेट. व्हाट इज मीन बाय द वर्ड डिस्टिंक्ट इन अ सेट. डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट should not appear more than once. Distinct means the same object should not appear more than once. वो ऐसे objects जो के दो same हों लेकिन उनको दोबारा repeat ना किया जाए, एक ही दफ़ा mention किया जाए. Question number 5. If x is equal to a, b, c and y c, a, b, are these sets equal or not? Two sets, these two sets are equal. क्योंकि इसके भी तीन एलिमेंट है और इसके भी तीन एलिमेंट है. दीज टू सेट्स आर इक्वल. जी बच्चों, इनको हम रिपीट करते हैं. ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज. डिफाइन आ सेट. अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट. व्हाट इज मीन बाय द सिंबल ई. एलिमेंट ई मीन्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट.
नेम टू फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म. डिस्क्राइबिंग फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म. व्हाट इज मीन बाय द वर्ड डिस्टिंक्ट इन अ सेट? डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट should not appear more than once. If X, A, B, C and Y, C, A, B are these sets equal or not? These two sets are equal. NPS Maths Notes Grade 6. ये questions आपको आपके notes में page number 4 पर भी मिल जाएंगे. पेज नंबर 1, यूनिट 1 सेट्स. इसमें बच्चों जो आपके पास एनपीएस नोट्स मौजूद होंगे, जिनके पास नहीं है वो बच्चे स्कूल से आके ले सकते हैं. ये एमसीक्यूज हैं, ठीक है जी. ये टोटल हैं 15 एमसीक्यूज हैं जी प्यारे बच्चों. टू रिप्रेजेंट द टू इक्वल सेट्स, दो इक्वल सेट्स के लिए इस्तेमाल होगा ये वाला साइन डी. टू राइट एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के लिए हम ये वाला साइन इस्तेमाल करेंगे. सेट ए इज वोवल, ये भी हमने बुक में भी किए थे. अगर सेट ए वोवल में है तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको करवाया था, यू एलिमेंट ऑफ ए आएगा, सी जो है वो एक एलिमेंट नहीं होगा. यहाँ पे आई होगा लेकिन इन्होंने नॉन एलिमेंट का साइन दिया हुआ है. अगर ए की ये सेट है, बी का ये सेट है, तो जो ए है वो बी का क्या है? सबसेट. आगे देखें, 11 इज नोन एज सिंगुलर सिंगलटन सेट. टू रिप्रेजेंट्स द इक्विवेलेंट सेट्स, वी यूज द सिंबल. इक्विवेलेंट सेट्स जाहिर करने के लिए हमें ये वाला साइन हम देते हैं. ये वाले पहले 6 जो है आपने अभी बुक में भी किए थे. आगे देखिए, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रुप, क्लास, सेट, सुपर सेट. तो इसका सही आंसर है जी सेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट? इन तीनों चारों में से कौन सा सेट है? 1 2, 1 1 2, 1 2 2, 1 2 1. तो बच्चों इसमें भी 1 डबल है, इसमें 2 डबल है, इसमें 1 डबल है. तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, ये प्रॉपर सेट है 1 और 2. There are dash methods of describing a set. सेट को डिस्क्राइब करने के लिए टोटल कितने मेथड होते हैं? 2, 3, 4 या 5? टोटल 2 मेथड होते हैं जो कि अभी आपने किए भी हैं. मैंने अभी आपको क्वेश्चन आंसर जो आपने कॉपी भी किए हैं, डिस्क्राइबिंग फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. आ सेट हैविंग अ फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड डैश सेट. सब पावर फिनिट सुपर. अ सेट हैविंग अ फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड जी जी बताएं. हाँ जी, फिनिट सेट सी आएगा इसका. अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर, अगर अनलिमिटेड नंबर है ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एन डैश सेट. तो उसको क्या कहेंगे? उसको फिनिट बोलेंगे, इन्फिनिट बोलेंगे, सुपर या सब? उसको बोलेंगे इन्फिनिट. सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इनमें से ये 0 से शुरू हो रहे हैं, 0 से होल नंबर शुरू होते हैं, इसलिए ये नेचुरल नंबर नहीं है. 1, 2, 3, 4 चलता जा रहा है, ये नेचुरल नंबर है. ये देखें 1, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर है, 2, 4, 6, 7 ये इवन नंबर है. तो ये सही आंसर है. सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर्स का सेट कौन सा है? आप सब जानते हैं इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8. बाकी ये ऑड नंबर हैं, ये होल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है. सेट ऑफ ऑड नंबर, तो ये 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर हैं. सेट ऑफ प्राइम नंबर, अब जी बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? मैंने आपको एक्सरसाइज के दरमियान में भी बताया था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी भी टेबल पर डिवाइड ना हो. जैसे 1, 2, 3, 5 ये होल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये इवन नंबर्स हैं. तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर्स हैं. यहाँ पे आपके एमसीक्यूज खत्म होते हैं. नीचे आपको की भी दी हुई है, आंसर की भी दी हुई है प्यारे बच्चों. तो आपने क्या करना है कि ये सारे एमसीक्यूज और जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने अभी आपको नोटबुक से करवाए हैं और आप नोट्स में से भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ के लिखें भी और याद भी करें.
आज हमारा जो यूनिट वन है वो मुकम्मल तौर पर अपने एंडिंग को पहुंच गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट टू स्टार्ट करेंगे, यूनिट टू होल नंबर्स इंशाल्लाह। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।